सिक्किम में ऐसा एक भी प्लेस नहीं है विच इज़ नॉट विच इज़ नॉट वेल ऑर्गेनाइज और विच इज़ नॉट ब्यूटिफुल सबसे अच्छी बात यह है सिक्किम की और सिक्किम के लोगों की यहाँ के लोग बहुत ही है ऑर्गेनाइज हैं। अदरवाइज़ uh, भगवान ने नेचुरल ब्यूटी सभी जगहों में दिया है बट यूटिलाइज़ कैसा करना है उसको और ज़्यादा खूबसूरत कैसे बनाना है uh, ये हमें सिक्किम के लोगों से सीखना चाहिए सो आई एम वेरी हैप्पी विजिटिंग अगेन बस क्राउड थोड़ा ज़्यादा है <laughs> उसमें uh, सिक्किम की गलती नहीं है सिक्किम की गलती है मैं बोलूँगा इतना खूबसूरत है कि लोग विज़िट करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं और आपको सिक्किम में क्या अच्छा नहीं लगा बिकॉज मेनी पीपल कम एंड से कि सिक्किम इज़ वेरी ब्यूटिफुल बट हर एक जगह का ड्रीमे होता नहीं। है, है नहीं। तो आपका इफ़ यू हैव टू गि ट्रू फीडबैक अबाउट वट यू डो नॉट लाइक टिकी ओके ट्रू फीडबैक दूँगा तो जाके जितने भी लोगों से मिला सभी बहुत ही अच्छे अच्छे से ट्रीट किया सभी लोगों ने मुझे लास्ट टाइम भी और इस बार भी जहाँ तक मुझे प्रॉब्लम लगा कि ज़्यादा कमर्शलाइज तो हो गया जगह मुझे लगता है कि एक्चुअली अगर टूरिस्ट आ रहे थे तो उनके लिए तो रहने के लिए होटल खाने के लिए खाना सब कुछ तो मैनेज करना पड़ेगा तो यहाँ के लोगों का तो बिजनेस तो वैसे ही चलेगा बट उससे क्या हो रहा है कि नेचुरल ब्यूटी कहीं ना कहीं कम हो रहा है गारबेजेस ज़्यादा फैल रहा है बाहर से लोग आके टूरिस्ट लोग आके वेस्ट फैला देते हैं तो इसमें लॉस जगह का ही लॉस है, है नेचुरल नेचुरल ब्यूटी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डिग्रेड हो रहा है उसकी वजह से अदरवाइज इट्स वेरी गुड बस मुझे एक चीज़ पसंद नहीं कि है कि ज़्यादा कमर्शलाइज होने की वजह से Uh, कुछ कुछ होटल्स पे थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली हो गया नहीं, नहीं। या कि जो जो खाने का जो आइटम है वो भी थोड़ा ज़्यादा प्राइसी हो गया अदरवाइज़ हमारे वहाँ पे उतना प्राइसी नहीं होता है होटल भी उतना महंगा नहीं होता है तो वही एक मुझे प्रॉब्लम लगा अदरवाइज़ okay, okay. सब कुछ अच्छा है ज़्यादा कमर्शलाइज हो गया लेंजिंग जी का मुझे मतलब सबसे अच्छा क्या लगता है कि इन्फ्लुएंसर तो बहुत होता है समार गुड इन्फ्लुंसर समार बैड इन्फ्लुएंसर और जैसे कि ब्लॉग बनाते हैं लेकिन वैसे ही बना देता है जी। और अभी जो रिसर्च में भी एच का बात होता है एच मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ तो टूरिज्म ग्रोथ होना अच्छा है लेकिन सस्टेनेबल अच्छा। होना पड़ेगा तो इट इज़ वेरी अप्रिसिएबल लिंजिंग जी की यू हैव टॉक्ट अबाउट सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सिक्किम गवर्नमेंट इज ऑल्सो वर्किंग ऑन इट और दूसरा क्वेश्चन इज आर यू अवेयर अबाउट द पोलिटिकल पार्टीज ऑफ सिक्किम Sikkim ka, I don't know. I don't, I okay, don't okay. Even. Yeah, what about uh, uh, Gole sir and all? You know who no. is the CM of Sikkim? I you have no idea. So <laughs> <laughs> okay, okay, fine. Yeah. So this is uh, not a GK yeah. question. Yeah. Yeah. And uh, uh, next thing is about uh, when it comes to National Party, yeah. uh, BJP is in the forefront yeah. and uh, I think this will be the third time maybe. Third time. If they will win. If they will win. Yeah. So what is your opinion on the national politics? Yeah. Uh, मुझे लगता है कि बीजेपी 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 पार्टी दे आर गोइंग वेरी दे आर डूइंग वेरी गुड जॉब स्पेशली इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बाकी एम्प्लॉयमेंट में या फिर पेट्रोल के प्राइस में मैं तो बिल्कुल नहीं बोलूंगा क्योंकि एम्प्लॉयमेंट तो पहले जैसा आ रहा था कांग्रेस के टाइम से अभी भी वैसा ही है पेट्रोल का प्राइस तो और दाम बढ़ते जा <coughs> रहा है भले ही मोदी जी से इसकी पेट्रोल का दाम कम हुआ है कि नहीं फिर आयुष से कि नहीं कम नहीं हुआ है उल्टा बढ़ा है सिलेंडर का सिलेंडर का मतलब जैसे उनका कैंपेन एक चलता है न एजेंडा उनका एजेंडा चलता है कि गरीबों के लिए हम आए हैं लेकिन उसमें उनके उनके आने के बाद से न उनके आने के बाद से पहले से ऐसा होते आ रहा है और अभी भी कुछ भी चेंजेस नहीं आया है आई नॉट ब्लेम ओनली बीजेपी फॉर देट अगर कांग्रेस गवर्नमेंट के टाइम में भी सेम ही था और अभी भी सेम ही है मैं बस उतना ही बोलूँगा कुछ चेंजेस नहीं आए हैं बस रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छा हुआ है स्मार्ट सिटी जब से आया है तब से रोड्स और स्पेशली हमारे बॉर्डर एरियाज में ना रोड्स काफ़ी अच्छे हुए हैं जिसकी वजह से हम आ, हिल स्टेशन जो लोग हिल स्टेशन में हमारा घर है उनको फ़ायदा हो रहा है मतलब कहीं ना कहीं टूरिज्म को लेके ज़्यादा टूरिस्ट लोग आ पा रहे हैं रोड कनेक्टिविटी अच्छे होने की वजह से ज़्यादा डेवलपमेंट ला रहा है आ पा रहा है वो लेकिन हम खुद कर रहे हैं बस रोड आ गया है उसके वजह से हम प्राइवेटली uh, सभी लोग अपना जॉब कर रहे हैं तो वो चीज़ एक अच्छा हुआ है अदरवाइज uh, मैं ना ही कांग्रेस को ना ही बीजेपी को किसी नए पार्टी को जिसमें यूथ लोग भरे होंगे मैं उनको देखना चाहूँगा uh, क्योंकि uh, मुझे अगर मुझसे ऑनेस्टली पूछा जाए ना तो मुझे दोनों पार्टी पसंद नहीं है क्योंकि एक में नेपोटिज्म चलता है दूसरे में काइंड kind ऑफ of वो है लेकिन uh, एक को तो सपोर्ट करना पड़ेगा तो मैंने दोनों में से किसी को वोट दिया लेकिन किसको दिया भी वो मैं वो नहीं बता सकता रिजल्ट आएगा उसके बाद रिजल्ट आएगा पता है। मैंने जिसको वोट दिया मुझे लगता है वही जीतेगा क्योंकि वही वही जीतेगा तो अभी लेंजिंग जी जो बात कर रहे हैं। वी आर मैं किसी को इन्फ्लुएंस भी करने की कोशिश नहीं कर रहा जो मैंने फील किया वो मैंने बोला मैं मैं मुझे तो मतलब दोनों पार्टी ऐसा नहीं कि हेट हेट, हेट बिल्कुल नहीं आ, दोनों पार्टी को लेके लेकिन मुझे ऐसा ऐसा एक फील नहीं हुआ कि हाँ इसमें कुछ बात है इस बार मैं जब गया था वोट मारने तब तो मैं नोटा में मारने वाला था okay, क्योंकि आई डेंट फील कि दोनों पार्टी में से या फिर जो आ, अभी मान लीजिए आम आदमी पार्टी भी हो गया इंडिपेंडेंट भी हो गया एनसीपी भी हो गया उनमें से कोई भी कैंडिडेट भी डिजर्विंग नहीं था सभी करप्टेड लोग थे सभी जो जो पुराने इंजीनियर्स हैं वो लोग पूरा खुद का बिल्डिंग वगैरह बना लिया इंजीनियर का उतना सैलरी होता नहीं है कि वो इतना बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाएगा इतना बड़ा बड़ा प्रॉपर्टीज खड़ा करेगा उतना उनका सैलरी होता नहीं है फिर भी वो खड़े कर रहे हैं उसके उसका मतलब आप सोच सकते हो ना कितना करप्टेड है वो लोग और वो लोग ही जाके उन पार्टी में आए हैं तो उनका हम क्यों ही वोट देंगे तो इस बार मैं बहुत कन्फ्यूज था नोटा में वोट मारने वाला था और एक्चुअली एमएलए के लिए मैंने वोट किया था एम के लिए मैंने नोटा में वोट मारे क्योंकि आई डोंट थिंक कोई डिजर्विंग वाला आया था इट्स नॉट पार्टीज फॉल्ट इट्स वो कैंडिडेट्स फॉल्ट Mm. नहीं, नहीं बोल रहा और uh, <coughs> uh, बात के लिए तो बहुत सारा टॉपिक है क्योंकि ये बात ऐसा है कि सोच से आता है और सोच ऐसा चीज़ है कि मतलब सबके पास में नहीं होता है हाँ जी. सोच बोलने से मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ थॉट्स माइट बी देर सो व्हेन हियर वी आर टॉकिंग अबाउट प्रोडक्टिव थॉट्स सो वी हैव नोन लेंजिंग एज अ व्लॉगर बट टूडे वील नो लेंजिंग एज अ थिंकर so what kind of thoughts he have yeah. so coming to arunachal pradesh uh, what is the political scenario of uh, arunachal pradesh uh, actually i f <coughs> find it very sad किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को लेकर सीरियस नहीं है नहीं। जो गवर्नमेंट जो सेंट्रल में है उसी में सभी लोग भागेंगे okay, okay. वही प्रॉब्लम है है रीजनल 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 पार्टी पार्टी में उतना नहीं, नहीं, नहीं मतलब तो आप छोड़ ही दीजिए मतलब किसी का खुद का एक वो नहीं है क्या कहते हैं सेल्फ नहीं है मैं वही बोलूंगा सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है अभी सभी लोग बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं लेकिन अगर सेंट्रल में कांग्रेस आएगा तो सभी लोग कांग्रेस कांग्रेस करेंगे इवन हमारे जो एक्स सी थे जो एक्सपायर हो चुके हैं वो भी कांग्रेस में थे और उनके मतलब बाद में उनके जो फैमिली लेगेसी कैरी किया वो लोग भी बाद में कांग्रेस से ही शुरू करके बाद में बीजेपी में बीजेपी का गवर्नमेंट रूल होने के बाद से तो दैट्स वाई आई फील सैड अबाउट दैट कि खुद का उनका एक मोटिव नहीं है okay. कि हमें इस पार्टी को लेकर चलना है हमें ये डेवलपमेंट करना है अदरवाइज uh, जितना बेसिक बेसिक डेवलपमेंट था वो तो अभी हमारे नए सीएम के आने के बाद से हुआ है okay. वो वो तो मैं डिनाई नहीं करूँगा पहले सीएम से तो बहुत ज़्यादा बेटर है वो लेकिन Uh, मुझे कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लगता है कि और बेटर हो सकता था मतलब अभी सेंट्रल के प्रेशर में आके कुछ कुछ चीज़ जो वो लोग कर सकते हैं वो लोग नहीं कर पा रहे मुझे okay, ऐसा okay, लगता okay, okay. है तो इसलिए खुद का एक होना बहुत ज़रूरी है uh -huh. कि मैं इस पार्टी से हूँ इस पार्टी को लेकर चलूँगा आगे भले ही फ्यूचर में कोई भी पार्टी आ जाए uh -huh -huh. तो मैं वही जितने भी मिनिस्टर्स हैं सभी से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि अपने पार्टी को ज्यादा ना बदले क्योंकि ऐसा से ट्रस्ट कैसे हम करेंगे ना वही मेन प्रॉब्लम हो जाता है अगर आप आप ही अगर पार्टी बदलते रहोगे तो हम ट्रस्ट किसको किसको करेंगे तो वही चीज है वही मैं कहना चाहूंगा बैकग्राउंड ऑफ मिस्टर सो वन लास्ट क्वेश्चन पॉलिटिक्स उसके बाद उसके बाद इंटरेस्टिंग क्वेश्चन इज इफ यूम दी एम ऑफ इंडिया वॉट चेंजेस

जिससे मैं खुश नहीं हूँ पर्सनली बोलूँगा तो क्योंकि रोड बहुत बेसिक चीज़ है उसको पचास साल पहले बन चुका होना चाहिए रोड को मतलब वो तो मतलब अभी हम खुश हो रहे हैं कि यस रोड बन गया करके <laughs> लेकिन वो बड़ी बात नहीं है और भी डेवलपमेंट बहुत सारा आना बाकी है फॉर एग्ज़ाम्पल अभी आप हमारे अरुणाचल के विलेजेस में जाइए और वहाँ पर आप किसी भी स्कूल में विज़िट कीजिए अभी भी आसामीस में बोलते हैं टूटा भांगा मतलब ऐसे टूटा फूटा टूटा फूटा स्कूल्स है <coughs> अभी भी किसी किसी स्कूल्स में टीचर नहीं है जितने भी टीचर्स का जितने भी टीचर्स लोग टीचर्स हो गया डॉक्टर हो गया पुलिस हो गया जो लोग रिमोट एरिया में है जो लोग बस्ती एरिया में है वहाँ पे डेवलपमेंट अच्छा से नहीं है तो सभी लोग अपने कैपिटल में या फिर अपने टाउन में वापस पोस्टिंग ले रहे हैं तो बहुत इजी हो जा रहे हैं उनके लिए तो वहाँ पे वहाँ पे मतलब एकदम इन्फ्रास्ट्रक्चर वगैरह डेवलपमेंट वगैरह चाहे वो एजुकेशन में हो चाहे वो आ, आ, किसी भी फील्ड मेडिकल लाइन में हो hmm. एकदम जीरो है ओके okay, okay. तो उससे क्या हो रहा है कि जो जितने भी बस्ती के लोग हैं उनको क्या करना पड़ा है ऑल दो सभी फार्मर के बैकग्राउंड से सभी के पेरेंट्स फार्मर्स हैं वह छोटे छोटे जॉब करते हैं एकदम पुअर बैकग्राउंड से बट उनको भी टाउन में आना पड़ रहा है उनको एक्स्ट्रा पैसा खर्चा करना पड़ रहा है जबकि वो डेवलपमेंट मेरे ख्याल से डायरेक्ट विलेज में ही आ जाए तो बच्चों को जिनके जिनका पेरेंट्स का कंडीशन ठीक नहीं है उनको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो मेन मेरा एजुकेशन को लेके और मेडिकल सिस्टम को लेकर बाहर से आप आओगे अरुणाचल में आओगे ईटानगर में आप विजिट करोगे पासीघाट में आप विजिट करोगे आपको सब कुछ अच्छा लगेगा लेकिन आप विजिट आ, विलेज में विजिट करके देखिए एकदम नील है गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया है उनके लिए अभी भी मैं लास्ट ईयर मॉर्निंग गया था वहाँ पर अभी भी क्लास एट तक ही गवर्नमेंट स्कूल है उसका नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व वालों को बाहर जाके पढ़ना पड़ता है और सभी के पेरेंट्स के साथ उतना पैसा नहीं है कि वो लोग जाके उनके ऊपर ख़र्चा कर पाए फर्दर एजुकेशन में मतलब क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज या फिर स्कूल अगर अपने लोकल एरिया में बन जाएगा तो गवर्नमेंट का तो आपको पता है फ़ीस ज़्यादा होता नहीं है मेन उनका खर्चा क्या में होता है कि रेंट फाड़ा दो पीजी पीजी दिलाओ तो उसमें खर्चा होता है तो उसमें उनका पैसा काफ़ी बच जाएगा तो मेन अभी ये दो भी एक्चुअली बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट को पहले ही कर चुका होना चाहिए था बट स्टिल मैं इस चीज़ से खुश नहीं हूँ और मैं चाहता हूँ कि अगर मैं पी होता तो इस चीज़ में ज़रूर काम करता क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ है okay, okay. और अभी तो <coughs> मतलब वी हैव टॉक अबाउट पॉलिटिक्स बिकॉज ही हैज अ बैकग्राउंड ऑफ यू नो पॉलिटिकल साइंस अभी थोड़ा हट हाँ के एक दो क्वेश्चंस डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड

Uh, thank you for watching this, you know, video till the end and I would like to thank Lenjing from my heart. Yeah, thank